हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करूंगी आम के प्लांट के, क्योंकि ये जो टाइम है हमें आम के प्लांट की केयर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इसके बाद ही फ्रूट लगेंगे। और ये मेरा मैंगो ट्री है, जिसमें मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि इसमें कितने ज़्यादा फ्रूटिंग हुई थी। बहुत ज़्यादा फ्रूट लगे थे लास्ट ईयर तो, और बहुत बड़ा साइज है, इतने बड़े बड़े आम लगे थे दशहरी वाले, बहुत ही अच्छे। और ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। मैं यही आप लोगों को दिखाना चाहती थी। और गमले का साइज जो है देखिए, बहुत बड़ा है, तभी इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इसमें जो हम फ्रूट के प्लांट्स लगाते हैं, उसके जो गमले का साइज है थोड़ा बड़ा लेना चाहिए, तभी फ्रूटिंग अच्छी होगी। नहीं तो फूल खिलते रहेंगे और फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो पाती है। अगर आपका पॉट साइज अच्छा है, ये देखिए, अगर आपका पॉट साइज अच्छा है तो फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और आप लोग देख ही रहे होंगे इस टाइम कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है। और ये देखिए, छोटे छोटे मैंगो भी बनने लग गए हैं, ये छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन। अभी तो आंधी तूफान में थोड़ा बहुत, ये देखिए, ये भी दिख रहा होगा छोटा सा मैंगो। और फूल तो बहुत ज़्यादा, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा फूल आए हैं। और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें कितने फल लगते हैं, ये भी मैं थोड़े दिनों बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया था, दिख रहा होगा धूप बहुत तेज़ है, इसलिए मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ से मैंने सबकी ये हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, सभी ब्रांचेज जो हैं कट कर दी थी, तभी इसमें नई ब्रांचेज निकली हैं, तभी फ्लावरिंग ज़्यादा है और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। ये देखिए, सारी ब्रांचेज कट कर दी थी। और इसकी मिट्टी में एक महीने पहले, एक डेढ़ महीना हो गया होगा, इसकी मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करके नीचे की साइड में गोबर की खाद और फंजीसाइड भी डाला था, और कभी कभी हल्दी भी मैं थोड़ी, एक चम्मच आधा चम्मच डाल देती हूँ कभी कभी, कि कीड़े ना लगें। तो इसमें बहुत अच्छे से खाद देके ऊपर से मिट्टी कवर करके फिर इसमें हम पानी देते हैं रोज़। एक महीने पहले इसमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दिया था, जब फ्लावरिंग का टाइम आने वाला था, तो इसमें बहुत अच्छे से आपको फर्टिलाइज़र देना है। और फंजीसाइड तो आपको देना ही देना है दोस्तों, नहीं तो जो ग्राउंड में प्लांट्स लगे होते हैं उसकी केयर हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जो गमले में हमारे प्लांट्स होते हैं इसकी केयर हमें बहुत ज़्यादा करनी होती है, तब हमें रिजल्ट मिल पाता है थोड़ा बहुत। लेकिन लग रहा है इस बार रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका पॉट साइज़ भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पॉट है इसका देखिए, और छोटा सा प्लांट है। इसमें लास्ट ईयर फ्रूट आए थे और ये अब 2 साल का होगा, लास्ट ईयर ख़रीद के लगाया था तो फ्रूटिंग आ गई थी। और इस बार भी देखिए, सारे प्रूनिंग कर दी थी, और जहाँ जहाँ से प्रूनिंग हुई है तो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हुई है। ये देखिए, सारी ब्रांच, ये भी और ये मेन टिप जो है ये भी कट कर दी थी, सारी कट हो गई थी, तो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी हो रही है। अगर फ्लावरिंग हमारे प्लांट्स में अच्छी हो रही है तो फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी, यही मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी। और इसके बाद जब इसमें फ्रूट लगेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप क्या कर सकते हैं इस टाइम, एक बार और हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालना है, और नीम ऑयल जो होता है, नीम ऑयल का स्प्रे हमें पूरे प्लांट्स पे करते रहना है, हर 15 दिन पे हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है बहुत अच्छे से, कि इसमें अब कीड़े ना लगें और हमें फ्रूट मिले। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ फुल वॉच तो करिएगा ही। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।